गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज योर फ्रेंड क्विक शिफ्टर AKA श्री। बहुत दिनों के बाद एक मोटर व्लॉग करने का टाइम आ गया गाइस। मतलब गोप्रो में प्रॉब्लम्स है ही, अभी निकले, अभी भी रिकॉर्ड करना चालू किए बट अनफॉर्चुनेटली वो क्लिप पूरा डिलीट हो गया। आई एम स्टार्टिंग इट अगेन, इट इज द सेकेंड टाइम आई एम स्टार्टिंग। तो थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि कौन है अपने साथ एंड कहाँ जा रहे हम लोग। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन इट। और ऑलरेडी मैंने एक वज्रेश्वरी वाले व्लॉग में आपको दिखाया है कि यहाँ से बाहर पड़ने वाला रास्ता, मतलब विरार वेस्ट से विरार हाईवे टच करने का या विरार फाटा टच करने वाला जो रास्ता है वो कैसा है। और खटमल्स देयर इज अ फ्रिकिंग टैंक ओवर हियर, ये मैंने पिछली बार भी बोला था। न्यू विवा ओल्ड विवा कॉलेज। सो एज आई सेड कि आप विरार फाटा जाके आपको मिलता हूँ। सो इट्स समथिंग 10:10 आई गेस, और हम लोग विरार फाटा पहुँच चुके हैं। एज यू सी इन माई मिरर कि एक आयरन मैन सेटअप, ऑब्वियसली विच वॉज इंट्रोड्यूस बाय मुंबईकर निखिल, वो कुछ ट्राई किया है। बिकॉज मेरा गोप्रो बीच बीच में बंद पड़ रहा है, आई डोंट नो व्हाई बट गोप्रो बहुत बंद हो रहा है बीच बीच में। शिरसट फाटा फॉर पीपल गोइंग वज्रेश्वरी, दे कैन टेक दिस राइट। इवन अपने वज्रेश्वरी वाला व्लॉग है, ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा आपको, तो आप देख सकते हो। अबे यार ये सर्विस रोड पे इतने स्पीड ब्रेकर क्यों है इतने बड़े बड़े, मतलब सीरियसली। हाँ भाई गुज जा। गैपिंग में एक्सपर्ट है अपन तो भाई, अपन तो भाई एक्सपर्ट है। सो रिफ्यूलिंग डन, वेयर वॉज है। हाँ हम लोग बाइक लेके बहुत घूम रहे थे फिलहाल, रायगढ़ गए, करनाला गए, बट वी वरंट रिकॉर्डिंग द मोटो व्लॉगिंग पार्ट बिकॉज एक तो गोप्रो का इशू अभी भी चालू ही है, मेरे को लगा कि रिजॉल्व हो गया होगा। सो आई डेस्परेटली नीड 2 new batteries फॉर माई गोप्रो एंड बाकी भी सामान मेरे को लेना ही पड़ेगा। सो या अगेन, जो चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा दिल से पसंद है, वी आर बैक डूइंग दैट थिंग, दैट इज वॉट मोटो व्लॉगिंग। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सो आई हैव रीच्ड द फर्स्ट पॉइंट ऑफ जवार, बेसिकली अपना जवार सीरीज होने वाला है। सो फर्स्ट पॉइंट हम लोग ने एक मेरे दिल के नज़दीक जो चीज़ है, छत्रपति शिवाजी महाराज, तो उनके पदस्पर्शों से पावन हुई एक जगह यहाँ पे शिरपा माल करके, तो हम लोग वो करें। एंड इसका एक मराठी वर्जन भी अपने जो रेगुलर सीरीज आता है अपलेगढ़ किले, उसमें इसका एक मराठी वर्जन भी रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये प्लेस का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या है? 31 दिसंबर 1664 छत्रपति शिवाजी महाराज अटैक्ड सूरत। वो जब सूरत के लिए निकले तो दे टुक त्र्यंबकेश्वर मार्ग, त्र्यंबकेश्वर से जवार, जवार से सूरत। तो जब वो जवार प्रांत में एंटर किए तो जवार के जो राजा थे फर्स्ट विक्रम शाह, उन्होंने यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज को जो उनके ये रहते हैं जीरो टोप बोलते हैं हम लोग उसको, शीर बोलते हैं, शिरपा बोलते हैं, तो वो यहाँ पे उनको देके
उनका सत्कार किया था, तो तब से इस जगह का नाम पड़ा शिरपामाल। सो यस, दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ दिस प्लेस। अभी हम लोग जा रहे हैं सनसेट पॉइंट। सो प्लान में थोड़ा चेंज किया हम लोग ने। अभी सोच रहे हैं कि पहले जय सागर डैम है वो करेंगे, एंड देन अगर हुआ तो एक और यहाँ पे एक बड़ा डैम है विच इज़ खड़खड़ डैम, और खड़खड़ इन मराठी, तो अगर वो नज़दीक है वो भी कर लेंगे। देन वी गो टू सनसेट पॉइंट एंड देन जय विलास पैलेस। पिछला सीन जो आपने देखा दैट वॉज जयसागर डैम। मैंने बोला इतना कुछ खास नहीं है, तो यहाँ के लोकल जो हमें बैठे थे मैंने उन लोग से बात किया, दे वो लाइक कि खड़खड़ डैम पे अभी पानी भी और वहाँ पे टूरिस्ट भी ज़्यादा रहेंगे, सो इफ यू वांट यू कैन गो टू खड़खड़ डैम। अब आधा रास्ता तो आ गया, अभी पता नहीं खड़खड़ डैम है कहाँ पे। सो बहुत ढूंढने के बाद अभी आगे जो भाई चल रहे हैं ना, इनको सच में थैंक यू बोलना पड़ेगा, बस हम लोग कोई और रूट पे ही जाने वाले थे, इन्होंने बताया कि हम भी वही जा रहे हैं हमारे पीछे। सो वी हैव एंटर्ड द बैक वाटर्स ऑफ खड़खड़ डैम। अभी देखते हैं कैसा है क्या है। एंड एक्चुअली एक और चीज़ है, तुम लोगों को बाद में वीडियो में बताता हूँ मैं। बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है गाइज ये। रिद्धि क्या लगा? मस्त लगा, मतलब जस्ट सीनरी देखो हम लोग के पीछे गाइज। एंड एक और चीज़ यहाँ पे ना, जवाहर कैंपिंग करके एक छोटा बचत गट है जो लड़के लोग का है, एंड दे डू द कैंपिंग एंड ऑल स्टफ। सो मैं डिस्क्रिप्शन में वो लोग का डिटेल्स दे दूंगा। इट्स नॉट समथिंग लाइक प्रमोशन एक्टिविटी, बट इतना अंदर वो कुछ कर रहे दैट मीन्स दे आर डूइंग समथिंग गुड। सो लेट्स जस्ट गिव अ बिग थम्स अप टू देम। एंड अभी ये हो गया, नाउ गोइंग टू द खड़खड़ फ्रंट साइड। ये बैक वाटर्स है। ओके, लेट्स मीट यू देयर।